एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ डॉक्टर संजय सिंह। क्या आपको भी बहुत ज़्यादा तोंद हो रखी है, यानी कि बेली फैट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और आप उसको कम करना चाहते हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगी कि बेली फैट यानी विसरल फैट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल क्यों होता है हमारी बॉडी के लिए, साथ ही साथ इसको कम करने के लिए कुछ टिप्स दूंगी और एक बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक दवा के बारे में भी बताऊंगी जो आपके इस बेली फैट को कम करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब बात करते हैं बेली फैट के बारे में, या फिर जो जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में तोंद बोलते हैं। सो जनरली कई बार क्या होता है कि लोगों का वज़न इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता जितना कि तोंद बढ़ जाती है, और फैट ओवरऑल ही हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा मोटापा गेन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हमारा वेट गेन हो जाता है, तो उससे हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं। लेकिन फैट भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सबक्यूटेनियस फैट, एक होता है विसरल फैट। सबक्यूटेनियस फैट वो फैट होता है जो कि हमारी मसल और स्किन के बीच में इकट्ठा होता है, जिसको हम ऐसे पिंच कर सकते हैं, ये होता है सबक्यूटेनियस फैट, और ये इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। जबकि जो विसरल फैट होता है वो हमारे ऑर्गन्स के बीच में इकट्ठा होता है, ऑर्गन के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, जिससे ऑर्गन के फंक्शन जो है वो भी ख़राब होने लग जाते हैं। कई बार ये वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके साथ साथ विसरल फैट लिंक होता है बहुत सारी बीमारियों से, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक और कई सारे कैंसर भी लिंक्ड हैं विसरल फैट से। तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है हमारी बॉडी के लिए, साथ ही साथ ये हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स का लेवल होता है उसको भी डिस्टर्ब कर देता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। बहुत सारे लोग पतले दुबले होते हैं लेकिन उनमें भी तोंद होती है, विसरल फैट होता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप ओवरऑल मोटे हैं तभी आप में तोंद होगी या विसरल फैट होगा। इसको जो लोग पतले दुबले होते हैं और उनमें तोंद होती है, विसरल फैट होता है, उसको टॉफी भी बोलते हैं, TOFI, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। तो उनमें भी विसरल फैट हो सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो लोग ओवरऑल ही मोटे हैं उनमें ही तोंद होगी और विसरल फैट होगा। अब इसको मेजर कैसे कर सकते हैं, तो इसके बहुत सारे एक्सपेंसिव टेस्ट होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें इन एक्सपेंसिव बेस की, कैसे मेजर करें कि लूजली हमको विसरल फैट है या नहीं, तो अगर आप महिला हैं तो आप अपने जो बेली बटन होता है वहाँ से इंची टेप को लेके जाइए, मेजरिंग टेप को लेके जाइए। अगर ये आपका 35 इंच या उससे ज़्यादा बता रहा है तो आप में विसरल फैट है, और अगर आप पुरुष यानी मेल हैं और आप में ये 40 इंच या उससे ज़्यादा बता रहा है तो आप में विसरल फैट है। अब ये लूजली एक मेजरमेंट होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। कई बार कुछ लोगों का बिल्ट ऐसा होता है, कुछ लोगों के जेनेटिक्स ऐसे होते हैं कि उनका जो साइज़ होता है बेली का वो थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है, लेकिन लूजली ऐसे मेजर करते हैं अगर इतना आ रहा है तो आप में विसरल फैट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। अब इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, तो कम करने के लिए कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। मेनली आपकी डाइट में फ़ैट कम होना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जो अच्छे फैट होते हैं, गुड फैट होते हैं, उसको भी बंद कर दीजिए। गुड फैट यानी कि जो हमको नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं या फिश से मिलते हैं, ये गुड फैट होते हैं और जो हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, तो आपको ये फैट कंज्यूम करना है। दूसरा, आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होनी चाहिए। जो भी आप डाइट ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसी डाइट आप चूज कीजिए, तो इससे आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। थर्ड, आपकी बॉडी में विटामिन डी और कैल्शियम के जो अमाउंट है वो अच्छा होना चाहिए, उसकी मात्रा सही होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लिंक्ड है कि जब हमारी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी अच्छी मात्रा में होता है तो विसरल फैट कम करने में जल्दी से हेल्प मिलती है और जल्दी से ये कम होता है। तो अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड कीजिए, फ्रूट्स इंक्लूड कीजिए, साथ ही साथ
डेली 10 से 15 मिनट के लिए सनलाइट ज़रूर लीजिए, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा हाइड्रेशन का भी बहुत अच्छा रोल होता है, हाइड्रेशन प्रॉपर रखिए, दिन में 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर कंज्यूम कीजिए। साथ ही साथ डेली 30 मिनट की एक्सरसाइज मस्ट होती है, ओवरऑल आपका वेट कम होगा, साथ ही विसरल फैट भी कम होगा। और जो भी आप जंक फूड वगैरह लेते हैं उस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए, वंस इन अ वाइल थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं, लेकिन आपको डेली मंचिंग नहीं करनी है, डेली आपको बाहर का खाना नहीं खाना, मैदे से बनी प्रोसेस चीज़ें नहीं लेनी है, मीठा बहुत ज़्यादा नहीं खाना, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक दवा की, जो बहुत ही यूजफुल होती है वेट लॉस कराने में, बेली फैट कम कराने में। तो ये दवा है गार्सिनिया कैम्बोजिया। गार्सिनिया कैम्बोजिया बहुत ही इफेक्टिव दवा होती है, इसमें हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो कि सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है, जिससे हमको एपेटाइट कम रहती है, भूख इतनी ज़्यादा नहीं लगती, हम बहुत टाइम तक फुल फील करते हैं। साथ ही साथ ये दवा जो होती है हमें जॉइंट पेन जो हो रहे होते हैं उसमें भी आराम देती है, और जो हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हमारी लिवर हो गया, हमारी इंटेस्टिन्स हो गई, उनकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ हमारे हार्ट की हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। तो इस दवा के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, साथ ही साथ ये हमारा वज़न कम करने में भी बहुत ज़्यादा सहायक होता है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको जो विसरल फैट होता है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, तो आपको सिर्फ दवा के भरोसे नहीं रहना, जो मैंने और चीज़ें बताई डाइट में मॉडिफिकेशन, साथ ही साथ एक्सरसाइज वो भी करना है, प्लस मेडिसिन भी लेनी है, जिससे आपको बहुत जल्दी अपने इस लटकती हुई तोन से छुटकारा मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी तोंद है, आपकी भी पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, तो आप इन सारे जो मैंने एडवाइजर्स दिए हैं, जो मेडिसिन बताए, इन सबको ट्राई कीजिएगा और इसके रिजल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिएगा। आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे एक्टिव, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।